उदाहरण 11, 6 और 54 का मध्य अनुपाती पता करें। हल, माना 6 और 54 का मध्य अनुपाती 6 है तो छ अनुपात एक्स समान अनुपात एक्स अनुपात 54। हम जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनखंड होता है, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं x गुणित x जो कि हमारे मध्य पद है, और बाह्य पद जो है 6 गुणित 54। इसको हम लिख सकते हैं x गुण x बराबर x की घात 2 बराबर 6 गुणा 54 सूचित करता चिन्ह। x की घात 2 बराबर 6 54 को हम लिख सकते हैं 6 निया 54, या x की घात 2 बराबर 6 गुणित 6 गुणा 3 गुणा 3, या x बराबर वर्गमूल 6 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 3, या इसे हम लिखेंगे x बराबर इसका 6 और 6 का एक जोड़ा बना तो 6 वर्गमूल से बाहर निकलेगा, और 3 और 3 का एक जोड़ा बना तो 3 वर्गमूल से बाहर निकलेगा, या x बराबर 6 गुणा 3 बराबर 18। तो अतः हमें प्राप्त हुआ x बराबर 18, अतः 18 x और 54, 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 है, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 12, 8xy और 4x की घात 2y का तृतीयानुपाती पता करें। हल, माना m 8xy और 4x की घात 2y का तृतीयानुपाती है, तो 8xy अनुपात 4x की घात 2y समान अनुपात m, यहां पे m 8xy और 4x की घात 2y का तृतीय अनुपाती है, ये पहला अनुपात, दूसरा और ये तृतीय अनुपात, तो m हमारा तृतीय अनुपाती है। अब इसे हल करने के लिए हम इसे और
दूसरे रूप में लिख सकते हैं आठ एक्स वाई, क्योंकि ये मध्य अनुपाती है तो हम इसे लिखेंगे अनुपात चार एक्स की घात दो वाई समान अनुपात चार एक्स की घात दो वाई, ये पुनः हम लिखेंगे अनुपात m। इसे और हम लिख सकते हैं बराबर सूचितकर्ता चिन्ह आठ एक्स वाई बटा चार एक्स की घात दो वाई समान अनुपात के जगह में हम बराबर लिखेंगे बराबर चार एक्स की घात दो वाई बटा m। अब इसे आगे हल करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा आठ एक्स वाई गुणा एम बराबर चार एक्स की घात दो वाई गुणा चार एक्स की घात दो वाई, या इसे हम और लिख सकते हैं एम बराबर, क्योंकि हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है m का मान, तो हम लिखेंगे चार एक्स की घात दो वाई गुणा चार एक्स की घात दो वाई, और ये आठ वाई आठ एक्स वाई ये आपका बटा पक्षांतर होके आठ एक्स वाई हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं m बराबर चार एकम चार, चार दूनी आठ, दो एकम दो, दो दूनी चार, और उसी तरह से यहाँ पे x और y ऊपर से कट जाएगा x और y, तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है दो x की घात दो और एक x मिला के x की घात तीन बना रहा है, और यहाँ पे एक y कट चुका है, एक y यहाँ बचेगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ m का मान जो है हमारा दो x की घात तीन y है, m का मान m बराबर दो एक्स की घात तीन वाई, अतः तृतीय अनुपात दिए गए प्रश्न का तृतीय अनुपात दो एक्स की घात तीन वाई है, यह इस प्रश्न का हल होगा।